माननीय सभापति जी, गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनी आमतौर पर कंपनी एक्ट के और दूसरे और ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिनसे संचालित होती हैं, लेकिन उनको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार रिजर्व बैंक की है। आज ही एक प्रश्न के उत्तर में आरबीआई ने, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो इन कंपनियों के सुपरविजन के साथ साथ एसेट्स की समीक्षा करें, उन्होंने आज ही एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि 5 वर्ष से ऐसी कंपनियों की कोई समीक्षा नहीं की गई। इनका लाभ, इन कमियों का लाभ उठा करके ऐसी कंपनियां छोटे छोटे शहरों में अपनी शाखाएं खोल करके स्थानीय लोगों को नौकरी और बड़े कमीशन का लालच दे करके स्थानीय लोगों का पैसा जमा करा लेती हैं और उसके बाद वो भाग जाती हैं। ऐसी ही एक घटना मेरे लोकसभा क्षेत्र में हुई, जिसमें पंजाब के एक कांग्रेस पार्टी के प्रभावशाली विधायक, जो इस समय मौजूदा विधायक हैं, उनकी 5 कंपनियों ने हमारे लखीमपुर ज़िले के स्थानीय नवयुवकों को फंसा करके वहाँ के लोगों का पैसा जमा कराया और वो भाग गए। लेकिन प्रक्रिया संबंधी कमियों के कारण वो लड़के तो पकड़े जाते हैं, लेकिन इन कंपनी और उनके मालिकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूँ कि NBFC कंपनियों की धोखाधड़ी रोकने व जमाकर्ताओं का पैसा सुरक्षित रखने तथा वास्तविक दोषी के विरुद्ध कार्रवाई हेतु प्रक्रिया संबंधी सुधार, एसेट्स का लगातार सुपरविजन व समीक्षा तथा व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व सेवी के अंतर्गत लाया जाए तथा ऐसी डिफॉल्टर कंपनियों व उनके मालिकों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई करने के साथ ही निवेशकों का पैसा। सांसद बीबी पाटिल जी।